चाहिए अगर भगवान की कृपा संग धन समृद्धि की वर्षा तो कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये उपाय। मान्यता अनुसार इस दिन पूर्वजों के नाम पर दीपक जलाकर गंगा नदी में स्नान करने पर श्री विष्णु की कृपा बरसती है। घर के मंदिर में श्री विष्णु की प्रतिमा के आगे घी कपूर का दीपक जलाएं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कल, जानिए आपके लिए रहेगा शुभ या शुभ। चंद्र ग्रहण के दौरान श्वेत वस्तुओं का दान करने से चंद्र ग्रहण शुद्ध होता है, मानसिक पीड़ा दूर होगी, मन शांत व संतुलित होता है व संतुलित चित वाले व्यक्ति के सभी निर्णय फलीभूत होते हैं, आय में वृद्धि होती है। जेल के 127 साल पुराने प्रिजंस एक्ट में संशोधन, बंदियों पर मिला मोबाइल तो होगी यह कार्रवाई। जेल में बंदियों के पास मिला मोबाइल तो होगी 5 साल तक की सजा, इंटरनेट डिवाइस मिलने पर सजा के साथ लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। प्रिजंस एक्ट 1894 की धारा 42 व 43 में संशोधन कर किया गया सजा का प्रावधान। वर्ष के अंतिम चंद्र ग्रहण का यहाँ जानिए समय और असर। यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण 19 नवंबर को प्रातः 1134 मिनट से आरंभ होगा और इसका समापन शाम 5:33 पर होगा। मैनपुरी में फ्लाईओवर से गिरी कार, एक परिवार के 4 लोग घायल। कार बजेरा फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी, कार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंच गई, एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देव दीपावली कल, दीपक रंगोली और दान का जानिए क्या है इस दिन महत्व। सनातन धर्म अनुसार कार्तिक पूर्णिमा एक अत्यंत शुभ व पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन किया हुआ जप तप व दान व्यक्ति को उन्नति दिलाता है। मनोकामना पूर्ण करने के तो इस दिन अपने गुरु या ज्योतिषाचार्य के बताए हुए मंत्र का जाप करें। टूटने वाला है 80 साल पुराना साथ, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की संबद्धता अब इस विवि से होगी। एसएन मेडिकल कॉलेज की संबद्धता अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय से होगी, इस हफ्ते में मिल जाएगा अनुमोदन। MBBS और नर्सिंग कॉलेज पिछले महीने हुआ है संबद्ध। एसएन मेडिकल कॉलेज में एक विभाग और बाकी के 8 विभाग हलवाई की बगीची वाले परिसर में संचालित होंगे। आगरा में 237 रहा AQI, खराब स्थिति में वायु गुणवत्ता। बुधवार को मंगलवार की अपेक्षा कम रहा वायु प्रदूषण, अति सूक्ष्म कणों और धूल कणों की मात्रा रही अधिक। आगरा लगातार 4th दिन आवास विकास कॉलोनी सर्वाधिक प्रदूषित। आगरा के मंडोला में सुबह सुबह 3 मंजिला जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल ने बुझाई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, घने इलाके में दहशत में आए लोग। मंडोला कोतवाली और शाहगंज व जगदीशपुरा क्षेत्र में घने इलाकों में जूते की फैक्ट्री संचालित है, इनमें केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। लखनऊ में बसपा मुखिया मायावती के घर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मां के निधन पर शोक जताया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लखनऊ में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के घर का रुख किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में राजभवन से निकलकर माल एवेन्यू में बसपा मुखिया के आवास पर जाकर उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में धुंध से बढ़ी ठंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में वायु प्रदूषण से राहत नहीं। राजधानी लखनऊ के साथ ही पास के जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुरुवार को धुंध के आगोश में आ गया है। मौसम में अब ठंड भी लगातार बढ़ रही है और धूप निकलने के बाद भी गलन महसूस होने लगी है। सहारनपुर में डबल मर्डर, सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या के बाद सनसनी। गांव भोगीवाला के जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई, डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लखनऊ में डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जाने क्या है पूरा मामला। ACGM शांतनु त्यागी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की है। 1 मई 2019 को सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी सोनम, अखिलेश को दिया श्राप, कहा सत्ता में नहीं आएंगे कभी। उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनने और राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद सोनम ने कहा कि भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। सोनम ने अखिलेश यादव को श्राप देते हुए कहा कि वह अब कभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे।
10.5 घंटे बाद खत्म हुआ छात्रों का धरना, सारी मांगे मानी गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 के प्री पीएचडी शोधार्थियों का धरना प्रदर्शन, जिला प्रशासन की दखलअंदाजी के बाद 10.5 घंटे बाद रात्रि 10:40 पर समाप्त हो गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम सिटी की मौजूदगी में छात्रों के अधिकांश मांगे मान ली गयी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते पुडुचेरी और कराईकल में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुरक्षा के लिए संघ की याचिका पर तभी सुनवाई की जाएगी। जब वह यह बताएंगे कि वह देश में है या बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंह के वकील को 22 नवंबर को अगली सुनवाई में इसकी जानकारी देने को कहा है। कोरोना महामारी के चलते काफी समय बाद दिल्ली में इसी महीने स्कूल फिर से खोले गए थे, लेकिन अभी आधे महीने बाद ही स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 11,919 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए। इसके साथ ही देश में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या 3,44,78,517 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 12,08,762 हो गए हैं, और जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगर किसी आरोपी और पीड़िता के बीच सीधे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का कोई अपराध नहीं बनता है।